स्क्रिप्चर तो जितने भी सेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि हम क्या हैं, हम आत्मा हैं। सभी कहते हुए आए हैं हम शरीर नहीं हैं, हम बॉडी नहीं हैं, हम सोल हैं। मगर आजकल कोई बिलीव नहीं करता इसको क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो क्या इस चीज़ का कोई प्रूफ है या नहीं, ये हम डिस्कस करेंगे। क्या हम इस निष्कर्ष पे, कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि हम बॉडी नहीं, हम सोल हैं? तो उसके मैं प्रूफ्स दूंगा आपको, एटलीस्ट इसके पांच प्रूफ्स हैं कि हम सोल हैं, हम बॉडी नहीं हैं। तो उसको आप आत्मा कह लो, उसको रूह कह लो इस्लाम में, या चाइनीज़ लैंग्वेज में उसको ची कह लो, ची सुना है, ची एनर्जी, या जैन रिलीजन में उसको उसको क्या कहते हैं, उसको रेन कहते हैं। सो अलग अलग नाम है अलग अलग रिलीजन में, बट कॉन्सेप्ट वही है। सो क्या है आत्मा, हम हैं या नहीं, इसका प्रूफ क्या है, पहला प्रूफ? सो पहला प्रूफ है कॉमन सेंस। सो कॉमन सेंस क्या कहती है? कॉमन सेंस कहती है कि जैसे, मतलब मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हो, तो अगर आप अपना नाम बोलोगे, मैं सपोज क्या हूँ, क्या नाम है आपका? हाँ, ओके, गिरप्रीत, साइन सर, आप गिरप्रीत हो, ठीक है। मगर अगर आपका नाम चेंज हो जाए तो इसका मतलब आप नाम नहीं हो, क्योंकि आपको तो पता है आप वही हो, आपका नाम ही तो चेंज हुआ है। और अगर मैं आपसे पूछूँ आपका प्रोफेशन क्या है, आप बोलो कि मैं स्टूडेंट हूँ 12th क्लास की, मगर आप, आपकी आइडेंटिटी वो नहीं है, आप वो नहीं हो, नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, मगर आप डॉक्टर का इंजीनियर ही बन सकते हो। तो जो चीज़ें बदल रही हैं वो आप नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि आप नहीं बदल रही। बचपन में आपको पता है ना, आप नाम छोड़ दो, आपको पता है मैं थी, है ना? अभी भी पता है मैं हूँ, बुढ़ापे में भी पता है मैं हूँ। सो मैं चेंज नहीं हो रहा, वो मैं का एक्सपीरियंस जो है वो चेंज नहीं हो रहा। आप वो हो जो कि बदल नहीं रहा, क्लियर है? कुछ समझना पड़ेगा आपको मेरी बात, वरना समझ नहीं आएगा कुछ भी। आप वो हो जो आप बदल नहीं रहे, तो आप जो चीज़ बदल रही है आप वो नहीं हो, समझ गए ना? जैसे मान लीजिए सो के उठते हो, तो क्या आपको याद रहता ना वही इंसान हो? ऐसा तो नहीं, अरे मैं चेंज हो गया, उनका कौन हूँ पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होता। वो जो आई है ना, आई सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, वो कंटिन्यू होती है। तो ये सारे नाम, प्रोफेशन, ये सारी चीज़ें हमने अपने थोपा हुआ है, ये फॉल्स आइडेंटिटी है। सो इसलिए जो चीज़ चेंज नहीं होती वो हम है। और क्या चीज़ चेंज नहीं हो रही? आई, मैं का एक्सपीरियंस चेंज, मैं का एक्सपीरियंस चेंज नहीं हो रहा। ओके, मगर आप कह सकते हो ठीक है, मगर मैं लड़का और लड़की तो हूँ ही, बट ऐसा भी नहीं है, क्योंकि भगवद गीता में एक लॉजिक देते हैं कृष्ण। अर्जुन ने पूछा कि आप कह रहे हैं आत्मा हो, मगर इसका लॉजिक क्या है? तो लॉजिक ये है कि एक श्लोक आता है, देहिनो स्मृथा देहे कौमारम यौवनम जरा। तो लॉजिक ये है कि भाई आपके बचपन की फ़ोटो अलग है, आपके बचपन की फ़ोटो आप खुद ही पहचान नहीं पाओगे, देख लेना, अभी की अलग है, बुढ़ापे की अलग होगी। इसका मतलब आपकी बॉडी चेंज हो रही है, मगर आप चेंज नहीं हो रहे। एक बूढ़ा आदमी भी कहेगा हाँ मैं तो वही हूँ जो बचपन, मतलब पहले था, अभी भी वही हूँ। एक बूढ़ा आदमी को लगता है मैं जवान हूँ, नहीं, ऐसा लगता नहीं है मैं जवान हूँ, मगर तभी तो हेयर डाई वाई कराते रहते हैं लोग, मगर बॉडी चेंज हो गई उसकी। सो इसका मतलब है हम बॉडी नहीं है, ये जो बॉडी है आपकी फीमेल मेल, ये आप नहीं हो। आप मान के बैठे हो कि मैं फीमेल हूँ मेल हूँ, आपको ऐसा लग रहा है मगर एक्चुअली नहीं है। सो ये एक लॉजिक है। और जब हम मर जाते हैं फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? ख़त्म सब कुछ? ज़रूरी नहीं है। आप जब सो गए, फिर जब उठते हो, सोते वक्त भूल जाते हो ना सब कुछ। स्लीप इज़ लाइक अ डेथ, आप सब कुछ भूल जाओगे। जब उठते हो, आँख खोलते हो, तो फिर वहीं पर पड़े हुए मिलते हो बेड पे। तो ऐसे ही डेथ ऐसे ही है, डेथ इज़ अ लॉन्ग स्लीप। आप मर जाओगे, फिर जब आँख खोलोगे तो दूसरी बॉडी में होगा, फिर से साइकिल शुरू हो जाएगी बर्थ डेथ की, समझ रहे हो? सो ये लॉजिक गीता दे रही है।
ओके, मगर आप ये पूछोगे वेल कोई साइंटिफिक प्रूफ है या नहीं, यहाँ पे बस बात अटकती है। क्योंकि चलो ठीक है, ओके फाइन, कॉमन सेंस से समझ आ रहा है, कोई साइंटिफिक प्रूफ है नहीं क्योंकि साइंस की एज है। सो साइंटिफिक प्रूफ है इस चीज़ का जो आपको बताया नहीं जा रहा, जो हम सोच नहीं रहे उस पर। आप गूगल पे जाके देखोगे आपको मिल जाएगा, आप लिख लेना नाम और जाके देखना कौन कौन से नाम बता रहा हूँ, सर्च करना। तो पहला प्रूफ है साइंटिफिक, वो है डेकार्ट्स ने दिया था। डेकार्ट्स पता है कौन था? रेने डेकार्ट्स, साइंस में पढ़ा होगा, फ्रेंच मैथमेटिशियन था। तो आपकी जो एलजेब्रा नहीं है, एलजेब्रा और कोऑर्डिनेट्स नहीं है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, ये सब डेकार्ट्स ने इन्वेंट किया था। मैथमेटिक्स आपको शायद याद नहीं होगा बट पढ़ाया होगा, शायद ना भी पढ़ाया हो, पढ़ाते नहीं जनरली इंडिया में, पता नहीं ऐसे ही है बस। सो एक्स वाई, ये जो बनाते हैं जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ये सब फ्रेंच डेकार्ट्स ने दिया था। सो उसने मैथमेटिशियन था, मगर वो तो क्या हुआ था, तो फ्रेंच मैथमेटिशियन था, मगर जब वर्ल्ड वॉर टू हुई, विश्व युद्ध दो हुआ, जर्मनी इन्वॉल्व थी, नाजीबाजी थे, तो उसको तो वहाँ पे बाहर एक रूल है कि सबको लड़ाई में जाना पड़ता है, लड़ाई में जाना पड़ेगा अगर आप यंग हो तो, आप मना नहीं कर सकते। इंडिया में तो नहीं जाना पड़ता, वहाँ रूल है, तो सबको वो भी चला, उसको भी भेज दिया लड़ाई में वर्ल्ड वॉर टू में। तो वो अपना बैठे बैठे अपना वो तो दिमाग वाला था, वो सोचता रहा, मगर उसने देखा कितने लोग मर रहे हैं, बम फूट रहे हैं, तो उसको उसने कहा कि जीवन ये नहीं हो सकता, उसको अनुभव आया नहीं, ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं, एक जीवन क्या है। उसने सोचना शुरू किया और उसने किताब लिखी मेडिटेशंस। अब उस किताब ने एक रेवोल्यूशन लेके आ गई साइंस में, क्योंकि उसने बताया गया, उसने बैठे बैठे सोचा। तो एक चीज़ होती है एक्सपेरिमेंट, जब टेस्ट ट्यूब और वैसे करते हो, एक चीज़ होती है थॉट एक्सपेरिमेंट जो माइंड में किया जाता है। सो उसने थॉट एक्सपेरिमेंट किया, उसने कहा चलो सो ऐसा मान लेते हैं कि संसार नहीं है। मान सकते हो? मानने में क्या है, मानने में कुछ नहीं, मान लो ऐसा मान लो संसार नहीं है, मगर हमें ऐसा लग रहा है संसार है। ऐसा मान लो कि शरीर भी नहीं है, हमें लग रहा है शरीर है। मैट्रिक्स देखिए, सॉफ्टवेयर से मैट्रिक्स देखिए मूवी, आप तो यूथ से आपने नहीं देखी, लो चलो देख लेना, इंग्लिश का नाम है, इंग्लिश की, वैसे तो आजकल हिंदी मूवी का इंग्लिश का नाम है बट इंग्लिश की है। सो उसमें जो था पता नहीं कौन था, आई थिंक वो था कियानो रीव्स था, पता नहीं कौन था। सो उसको जब मैं कॉलेज में था मैंने देखी थी। सो उसको बाद में पता लगा सब सॉफ्टवेयर है, ये सब इल्यूजन है। नहीं तो मान लो कि संसार है नहीं, हमें दिखाई दे रहा है, शरीर है नहीं दिखाई दे रहा है, आप सब जो दिखाई दे रहे हो वो भी नहीं है, ऐसा लग रहा है सब कुछ सॉफ्टवेयर सिमुलेशन है, ठीक है। तो सब पे डाउट आ गया उसको, संशय आ गया, नहीं कि है या नहीं, मगर सब कुछ सोचते आकाश भी है या नहीं, धरती भी है या नहीं, सब कुछ सोचते एक चीज़ से पहुंचा वो, सब पे डाउट कर सकते हैं या नहीं, एक चीज़ पे डाउट नहीं कर सकते। किस चीज़ पे? मैं अपने पे नहीं, क्योंकि मैं ही तो सोच रहा हूँ, मैं तो होऊंगा ही, अगर मैं हूँ या नहीं तो फिर मैं सोच क्या रहा हूँ, फिर तो ख़त्म ही हो गया। अपने विचार और अपने पे आप संशय नहीं कर सकते। तो उसने किताब लिखी, उसने कहा देखो इस संसार में सब पे संशय कर सकते हैं, आदमी नहीं है, फादर नहीं है, मदर नहीं है, संसार नहीं है, धरती नहीं है, मगर अपने आप पे संशय नहीं कर सकते कि मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं हूँ तो हम सोच ही नहीं सकते। इसलिए वो सोच के कॉमन सेंस इस निष्कर्ष पे आ गया कि मैं हूँ, क्लियर हो गया। और मैं संसार नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, फ्रेंड्स नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मैं इससे अलग हूँ। वो सोच के इस कॉमन सेंसेस इस पे आ गया। इसको बोलते हैं कॉगेटो अर्गो सम। ये आप फाइंड करना है, बहुत फेमस फिलोसोफर्स ये प्रूफ देते हैं कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं। आप बैठे बैठे कंक्लूजन पे आ सकते हैं हम आत्मा है, शरीर नहीं, क्योंकि संसार में सबसे विश्वास करने योग्य चीज़ कौन सी है, कौन है? आप है, आप है नहीं। आप दूसरे पर शायद विश्वास नहीं कर सकते, अपने आप पे तो कर लोगे, क्योंकि हम तो हैं ही। हो सकता है आप सब रोबोट हो, नहीं ऐसा भी हो सकता है आप रोबोट हो, मुझे क्या पता। हो सकता है आप इंसान लग रहे हो मगर अंदर से जॉम्बी भी हो सकते हो। वैसे जॉम्बी मार देते हैं बट आप थोड़े शांत जॉम्बी हो सकते हो, पता नहीं, हो सकता है, मुझे क्या पता, हो सकता है मैं जॉम्बी हूँ, आपको क्या पता,
हो सकता है मैं टर्मिनेटर हूँ अंदर से, रोबोट। सो हो सकता है कि आप रोबोट्स हो मगर आप मशीन के नहीं बने, आपको बनाया कार्बन से, फ्लैश से ही, फ्लैश से भी बना, इसी चीज़ से बना दिया रोबोट, मगर सब कंट्रोल कर रहे हैं आप, अब ऐसे ही हो बस। मगर मैं आप पे संशय कर सकता हूँ, मुझ पे कर सकते हो, मगर मैं अपने पे संशय नहीं कर सकता, आप अपने पे नहीं कर सकते, वो कभी नहीं हो सकता। इसलिए आप हो मगर आप शरीर नहीं हो, आप संसार नहीं हो, आप यहाँ के लोग नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो, मगर आप हो, मगर आपको ये नहीं पता आप कौन हो। मगर ये कॉमन सेंस से कंक्लूजन पर आ सकते हैं कि मैं हूँ, मगर इससे सबसे अलग हूँ। जब हम सो जाते हैं तो हमारी बॉडी पड़ी रहती है, 8 घंटा पड़ी नहीं रहती, हमें तो पता ही नहीं लगता बॉडी का, डी कॉन्टैक्ट हो जाते हैं, आपको मच्छर काट लेगा कोई पता नहीं लगेगा, अगर बहुत गहरी नींद सो रहे होगे आपको समझ ही नहीं आएगा। और 8 घंटे बाद आप उठते हो, सो इसका मतलब है हम नींद के वक्त बॉडी से डी कॉन्टैक्ट हो जाते हैं। हर रात को आपको प्रूफ मिलता है कि आप बॉडी नहीं हो, मगर हम उसको देखते नहीं। इसलिए सारे स्क्रिप्चर्स कह रहे हैं कि भगवान रोज़ प्रूफ देते हैं कि आप बॉडी नहीं हो, मगर हम इतना मस्त हैं ये इसमें सोचने का टाइम ही नहीं है, सोचते ही नहीं। सो ये एक प्रूफ है जो डेकार्ट्स ने अपने माइंड में सोचा, फिलोसफर्स ने कहा हाँ चलो भी अच्छा हो गया, ठीक है हमें समझ आ गया आत्मा है शरीर अलग है, मगर साइंटिस्ट ने कहा हम नहीं मानेंगे जब तक एक्सपेरिमेंट से नहीं बताओगे। ये तो फिलोसफी है ना, फिलोसफी समझते हो ना, सोच साच के कर दिया, ये एक्सपेरिमेंट करके दिखा दो हम मान लेंगे। तो साइंस फिर आ गई और साइंस ने कहा ठीक है हम प्रूफ करते हैं सोल है यानी। तो क्या हुआ, तो साइंस ने कहा ठीक है अगर हम शरीर नहीं है तो इसका मतलब, अगर हम शरीर हैं तो शरीर का कोई भी पार्ट आप हटा नहीं सकते, है नहीं, अगर हम ही हैं तो फिर कोई हटा दोगे तो आपको लगेगा मैं टूट गया, कई लोगों के हाथ कट जाते हैं, मगर वो तो वही है। सो आप बॉडी में सारी हाथ काट सकते हो, पैर काट सकते हो। तो दूसरा प्रूफ है सोल का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। पता क्या होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे आई डोनेट नहीं करते। तो अगर आप आँखें हो और आपने अपनी आपने आप अंधे हो गए, आपने किसी और की आँखें ले ली, तो फिर तो आप वो आदमी बन जाना चाहिए, नहीं, आपने किसी लड़की की आंखें ले ली और आप आदमी हो तो लड़की बन जाओगे, अरे मैं क्या हो गया, मैं लड़की बन गया, ऐसा नहीं होता। आप आपने लड़की की आंखें फिक्स कर ली हैं, सो आप आंखें नहीं हो। इस बॉडी में सारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, सब, स्प्लीन, लिवर, पैंक्रियाज, पता है ना अंदर जो होता है, सब हो सकता है, लंग्स भी हो सकते हैं, आपकी बोन्स भी हो सकती हैं, आर्टिफिशियल नहीं लगा देते नी जिसके घुटने खराब हो जाते हैं, सब हो सकता है। खून भी चेंज कर सकते हैं, पूरा दूसरे का खून डाल देंगे, जिस किडनी फेलियर होता है दूसरे का डाल देते हैं, उसको वो कर देते हैं, क्या कहते हैं उसको, डायलिसिस, मैं बहुत साल पहले की थी तो इसलिए भूल गया। सो डायलिसिस, सो सब चेंज कर सकते हो मगर दो चीज़ें चेंज नहीं कर सकते बॉडी में, क्या, अभी साइंस की बात कर रहा हूँ, सोल पे आए नहीं हम, अभी साइंस है आ गए, नहीं सोल वोल अभी हटा दो, वो तो प्रूफ करना है हमें। 1960 से पहले, 1960 से पहले हार्ट और ब्रेन चेंज नहीं हो सकता था, हाँ बाकी सबको चेंज कर सकते हो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है। तो लोगों ने कहने लगे साइंस ने, भैया इसका मतलब हो सकता है हम हार्ट हैं और ब्रेन है, क्योंकि बाकी जो पुर्जे तो बदल देंगे तो हम बदलते नहीं आदमी, मगर हार्ट और ब्रेन नहीं बदल सकते, तो हो सकता है कि हम लोग हार्ट हैं या ब्रेन है, ये आत्मा आत्मा बेकार है। तो क्या हुआ, 1967 में सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, उन्होंने हार्ट ही बदल के देख लिया। किसने किया था, किसी को पता है, आपको नाम पता होगा, क्रिश्चियन बर्नार्ड, जिसने ब्लड सर्कुलेशन इन्वेंट किया था, फर्स्ट ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। मरते नहीं, मर गया तो नहीं कर सकते आप जिंदा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, कोई मर जाए तो जिंदा नहीं कर सकते। साइंस को सब केमिकल्स पता है, केमिकल डाल दो जिंदा कर दो, कोई नहीं कर सकता। इसका मतलब बॉडी से कुछ चीज़ चली गई है, आत्मा वो केमिकल्स नहीं है, वो समझ गए। तो हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, तो उसने किसी और, जो आदमी मर गया था उसका हार्ट निकाल के, जो आदमी मरने वाला है उसमें लगा दिया, उसका हार्ट फेल हो गया उसमें लगा दिया। जब वो उठा तो उसे पूछा आप कौन हो, तो उसने अपना नाम बताया, मैं हूँ, उसको पता है मैं हूँ, उसका
ऐसे नहीं दूसरे का हार्ट लगा दिया तो वो बंदा बदल गया। अगर हार्ट में आत्मा होती, हार्ट ही आत्मा होती तो बंदा बदल जाता ना सब। हार्ट नहीं, कुछ नहीं हुआ, वो वही था। इसका मतलब है कि आत्मा हार्ट नहीं है, प्रूव हो गया। तो साइंटिस्ट ने कहा चलो ये तो पता लग गया। नेक्स्ट चीज़ क्या बची? ब्रेन। तो उन्होंने कहा ब्रेन है हम फिर। सो मगर ब्रेन कैसे चेंज करोगे आप? ब्रेन ट्रांसप्लांट, फिर उन्होंने कहा चलो अभी ठीक है, ब्रेन ट्रांसप्लांट अगर हो जाएगा तो प्रूव हो जाएगा कि ब्रेन भी आत्मा नहीं है। मगर ब्रेन ट्रांसप्लांट अभी तक नहीं हुआ। मगर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है ब्रूस मैथ्यू, तो जो तो जितनी भी मेडिकल जनरल्स होती है ना, तो उसमें ब्रूस मैथ डॉक्टर ब्रूस मैथ्यू अमेरिका के हैं। तो उन्होंने बोला कि 2030 तक हम ब्रेन ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो क्यों कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चूहों में उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके चेंज कर दिया, अब वो जिंदा हो गए, जिंदा ही है वो। मगर उससे भी ज़्यादा ब्रेन ट्रांसप्लांट तो छोड़ो, जिनके गले कट गए उन्होंने दूसरों का गला लगा दिया, है उसको कहते हैं हेड ट्रांसप्लांट, ये हो रहा है। तो ये सबसे पहला हेड ट्रांसप्लांट हुआ था 1908 में। एक बहुत बड़ा डॉक्टर था चार्ली गर्थर, उसने हेड ट्रांसप्लांट कर दिया। तो उसने कुत्ते का सर काटा और दूसरे कुत्ते काट के लगा दिया 1908 में। मगर वो थोड़ा सा वो बस लगाया तो उसकी आंखें वाँखें चल रही थी, मर गया फिर उसके बाद, बस थोड़ी देर में मर गया। फिर उसके बाद बहुत ट्राई किया, कुछ हुआ नहीं। 1970 में रॉबर्ट वाइट, उसने सबसे पहला हेड ट्रांसप्लांट किया था मंकी पे, मंकी का सर काटा दूसरे मंकी का लगा दिया। और वो मज़े की बात है कि वो 8 दिन जिंदा रहा, 8 दिन। और उसके बाद अभी 2017 में ह्यूमन का हेड ट्रांसप्लांट हो गया है चाइना में। अब डॉक्टर का नाम देखना, डॉक्टर का नाम था डॉक्टर सर्गियो कैनवा, चाइना में उन्होंने ट्रांसप्लांट किया, उन्होंने क्लेम किया है। अभी 2017 में किया था और 2022 में अभी कर दिया। तो मगर वो हेड ट्रांसप्लांट हुए मरे हुए आदमी पे, वो है अभी जो मर गए थे उसका हेड काट के दूसरे का लगा दिया, जिंदा आदमी पे नहीं हुआ है अभी। ओके, क्योंकि जिंदा आदमी पे करने के लिए बहुत लीगल लॉज है ना, अब जिंदा पे कर दिया केस ही हो जाएगा, आपने जिंदा पे कैसे कर दिया, नहीं। सो वो एक गड़बड़ है, वो कर नहीं सकते ह्यूमंस पे। तो उन्होंने मरे आदमी का चेंज कर दिया और सारे कनेक्शन कर दिए और ठीक हो गया। मगर अब मरे आदमी पे आप पता कैसे लगाओगे, चक्कर ही है ना। तो उन्होंने मंकी पे किया फिर दोबारा से 2017 में, और मंकी पे किया और वो मंकी 20 घंटे तक जिंदा रहा। मगर पहले तो 8 दिन रहा था, मगर वो 8 दिन रहा था वो सिर्फ आँखें ही ला सकता था बस। ये जो 20 दिन जिंदा रहा है, ये बोल सकता है, चल सकता है, फंक्शनल है। तो जब बंदर में हो सकता है तो ह्यूमन में भी हो जाएगा 10 साल बाद, कौन सी बड़ी बात है। सीक्रेट तो नहीं कर ली उन्होंने डीकोड, इसलिए ब्रूस मैथ्यू कह रहा था 2030 तक हम ह्यूमन में हेड ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो किसी का सर कट गया वो दूसरे का लगा देंगे। अब आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, मगर हमारे शास्त्रों में पहले ही दिया है। जो गणेश जी नहीं है पता है ना, उनका सर ही कट गया था, शिव जी जो बैठे थे फिर हाथी का सर लगा दिया। और भागवतम में दक्ष प्रजापति, उनका सर कट गया था, फिर क्या कहते हैं बकरी का सर लगा दिया। सो हमारे यहाँ पहले से सर्जरी होती थी, वो तो अब कर रहे हैं। मगर पॉइंट ये है कि अगर हेड ट्रांसप्लांट हो गया तो ब्रेन भी चेंज हो गया, मगर बंदा वही है। क्योंकि जब मंकीज में ट्रांसप्लांट किया तो मंकी जो था ना जिस पे ट्रांसप्लांट किया, तो वो आपका पेट मंकी था पालतू, तो वो पहचानता था अपने ओनर को, यू नो अपना हैबिट्स थी। जब दूसरे मंकी तो किसी जंगल के मंकी का सर लगा दिया तो उसकी सेम हैबिट और सेम ओनर को पहचान रहा है। इसका मतलब वो मंकी वही है। दूसरे मंकी का लगाने से अगर ब्रेन चेंज हुआ था तो बंदा भी चेंज हुआ था ना, बंदा चेंज नहीं हुआ, सेम मंकी था, सेम ओनर को पहचान रहा था, सेम हैबिट्स थी। इसलिए पता लगता है कि ब्रेन के चेंज होने से व्यक्ति चेंज नहीं होता, इसलिए आत्मा ब्रेन नहीं है। सो ब्रेन नहीं है, हार्ट नहीं है, बॉडी नहीं है, तो क्या है इसका मतलब, इससे अलग है कुछ, आप इससे अलग हो। अब ये सारी रिसर्चेज है ना, ये सारी रिसर्चेज आप कहोगे चलो ठीक है ये सब तो ठीक है, एक लेवल तक ठीक है।
मगर कोई सॉलिड प्रूफ है इस चीज़ का? तो तीन प्रूफ सॉलिड प्रूफ हैं कि हम बॉडी नहीं है। एक सबसे पहला प्रूफ है कोमा। कोमा पता है क्या होता है? कोमा पता है क्या होता है? कोमा होता है कि आपको एक्सीडेंट हो जाएगा ब्रेन, और ब्रेन आपका डेड हो जाएगा। अब चोट लग गई सर पे, आपको मशीन लगाएंगे ना ईईजी, तो फ्लैट लाइन आएगी, कुछ नहीं, आप ब्रेन डेड हो। ब्रेन डेड कहते हैं, आप पड़े रहोगे 13-13 साल तक, लोग पड़े रहते हैं, मैंने पेशेंट्स देखे हैं। बोल सकता है वो, बोल ही नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, बस आप ट्यूब लगाओगे, खाना डालेगा, वो हार्ट चल रहा होगा, लंग चल रहा होगा, मशीन चल रही है, मगर कुछ नहीं कर सकता, वो ब्रेन डेड है। सो कोमा के पेशेंट्स, नहीं, इसको कोमा के पेशेंट्स कहते हैं। सो अगर ब्रेन ही मरा हुआ है तो प्रूव हो गया ना, ब्रेन मरा हुआ है, मगर बंदा है, क्योंकि हार्ट कैसे चल रहा है, बंदा तो है ना। और कोमा में क्या होता है, कोमा में व्यक्ति को सुनाई दे रहा होता है, पता है आपको? इसलिए जो कोमा के पेशेंट्स थे, मैं उनके पास जाके गीता पढ़ता था, श्लोक पढ़ता रहता था, वो तो ऐसे ही पढ़ा हुआ है। तो 5 साल बाद कहीं कोमा पेशेंट्स, एक कोमा पेशेंट उठा, उसको अपने आप ठीक हो जाते हैं वो, तो वो कह रहे थे कि डॉक्टर साहब आप गीता के श्लोक पढ़ते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता सुनाई देता था। सो ब्रेन ख़त्म हो गया मगर बंदा वहीं है। सुनने की जो फैकल्टी होती है वो लोअर ब्रेन में होती है, हायर ब्रेन में नहीं होती। तो कोमा के पेशेंट्स जो होते हैं, उससे हमें पता लगता है कि हम ब्रेन नहीं है, हम हार्ट नहीं है, हम कुछ और हैं। ये बहुत बड़ा प्रूफ है कोमा। आज तक किसी को, बहुत रिसर्च हो रही है, समझ नहीं आ रहा, बट कोमा में एक स्टेट होता है वेजिटेटिव स्टेट, उसमें तो पूरा ही ख़त्म हो जाता है ब्रेन, फिर भी बंदा वहाँ पे रहता है और 20 साल बाद उठता है, और उसको, उससे पूछा आप कौन हो, अपना नाम बताएगा और पहचान लेगा सारी जगह। इसका मतलब बंदा तो था वहाँ अंदर, ब्रेन डेड था, कहाँ था पता नहीं, अंदर था मगर उसको उसको खुद ही नहीं पता मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। तो जैसे नींद में चले गए ना, वैसे चला गया वो। दूसरा प्रूफ है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका ब्रेन नहीं होता जब पैदा होते हैं। एक वैसे ब्रेन नहीं कह रहा मैं, असली में ब्रेन नहीं होता, असली में दिमाग, असली में ही नहीं होता। आप सीटी स्कैन करोगे खाली हो गए। तो एक साइंटिस्ट है जॉन लॉर्बर साइंटिस्ट है, उसका टाइप करके देखना गूगल में। तो उसके पास केसेस आए, एक बच्चा आया, आपको पता है, तो बाहर एक यूनिवर्सिटी है, एमआईटी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर एक बच्चा है रोजर लुइन, क्लास में पढ़ता था, उसको सर में दर्द हुआ तो उसका सीटी स्कैन कराया, उसका खाली दिमाग ही नहीं, मगर उसकी IQ 126, नॉर्मल बंदे की IQ 72 होती है। अब ये केस जो है, ये केस साइंस ने साइड में रख दिया, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। जब ब्रेन ही नहीं है तो बंदा जिंदा कैसे, सोच कैसे रहा, IQ क्या है, बस थोड़ी सी लेयर थी, उससे क्या काम करोगे। तो साइंटिस्ट कहने लगे नहीं, थोड़ी सी जो लेयर थी उसने सारा ब्रेन का काम कर लिया, वो कोई सेंस नहीं बनता। साइंटिस्ट तो मानने को तैयार ही नहीं है ना, वो तो किसी भी तरह कहेंगे नहीं है आत्मा। मगर ये केस साइंटिफिक जर्नल्स में छपा था, जॉन लॉर्बर ने छापा, बहुत सेंसेशन हुई, लोगों ने कहा ये कैसे हो सकता है, फिर उस केस को दबा दिया गया, छोड़ो यार ये सब। फिर उसके बाद एक केस आया एनेंसेफेली का। ये तो क्या होता है, ये जो बंदे, ये जो है ना रोजर लुइन, इसका तो दिमाग नहीं था, सीटी स्कैन में पता लगा। कुछ बच्चे होते हैं जिनका जब पैदा होते हैं उनका सर ही नहीं होता, यही यहाँ से गायब है, ऊपर का पोर्शन सारा, ब्रेन भी गायब, स्कल भी गायब, सब गायब, अंदर देखो खाली है ऐसे, क्योंकि डेवलपमेंट में उनका ब्रेन ही नहीं बनता अंदर पेट में। तो मोस्टली ऐसे बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, नहीं मर जाएंगे जब कुछ है ही नहीं, खाली है जब। तो मगर मज़े की बात है कि ब्रिटिश मेडिकल जनरल में एक केस आया एनेंसेफेली का, उसको एनेंसेफेली कहते हैं, है ही नहीं ऊपर आया। तो वो बच्चा 2 साल तक जिया बिना वेंटिलेटर के, बिना मेडिसन्स के, नॉर्मल। और ये मिरेकल है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, हो सकता है, हो ही नहीं सकता। मगर ये केस भी उस जनरल में डाल दिया गया। सो जॉन लॉर्बर ने केसेस दिखाए और उन्होंने कहा कि देखिए इसका मतलब डायरेक्ट प्रूफ है कि ब्रेन ज़रूरी नहीं है ज़िंदा रहने के लिए, इट्स नॉट नेसेसरी।
और इससे प्रूफ हुआ कि हम ब्रेन नहीं है, हम आत्मा। और तीसरा केस है, आप ये ज़रूर देखना गूगल में ये डॉक्यूमेंट्री, तीसरा केस है पैम रेनॉल्ड का, ये देख लेना जाकर, बहुत फेमस डॉक्यूमेंट्री है, बहुत अच्छी वीडियो है। पैम रेनॉल्ड, PAM रेनॉल्ड, रेनॉल्ड तो पता है, REY NOLD। सो ये जो औरत थी ये म्यूजिशियन थी, इसका एक्सीडेंट हो गया, इसको ऑपरेशन के ले गए, तो उसकी ब्रेन सर्जरी करनी थी। अब ब्रेन सर्जरी करने के लिए पता है क्या होता है, ब्रेन सर्जरी करने के लिए ब्रेन को फ्रीज करना पड़ता है, तो मैंने की हुई है। सो फ्रीज करना पड़ता है नाइट्रोजन ऑक्साइड से, क्योंकि अब ऐसे छूओगे तो ख़राब हो जाएगा ना पूरा ब्रेन। ब्रेन बिल्कुल पानी की तरह होता है, आप ग्लास में डाल सकते, लिक्विड होता है, तो आप ऐसे छू नहीं सकते, काट नहीं सकते उसको, इसलिए फ्रीज़ करना पड़ता है कि उसको काट पाओ, अंदर जा पाओ, वरना कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो उसको फ्रीज़ किया, उसके ब्रेन को फ्रीज़ कर दिया, तो उसकी सारी ब्रेन की एक्टिविटी ज़ीरो, वो क्लिनिकली डेड है, समझे। मगर मज़े की बात है क्या हुआ, जब उसका ब्रेन जो है वो फ्रीज़ हो गया और मशीन में फ्लैट लाइन आ गई, ऑपरेशन के बाद जब वो आई, उसकी आंख बंद थी, कान, ऑपरेशन के बाद ना टेप लगा देते हैं और कान में प्लग्स डाल देते हैं और पाइप लगे, कुछ नहीं कर सकता वो। जब वो ऑपरेशन के बाद वापस आई तो उसने कहा कि मैं सब कुछ देख रही थी ऊपर से, छत से, अपनी बॉडी को देख रही थी, ऑपरेशन देख रही थी, सब कुछ देख रही थी ऊपर छत से। इसका मतलब है बॉडी से बाहर निकल गई, उसको बोलते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। जाके देखना आपको पूरा डेटा मिलेगा, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, और उसको बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस, ऑलमोस्ट मर गई है और शरीर से बाहर हो गई। अब मरने के बाद हम बॉडी से अलग होते हैं, मगर जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो मेडिटेशन में अलग हो सकते हैं, वापस आ सकते हैं। तभी तो योगी लोग अपने बॉडी को छोड़ के वापस आ जाते थे, उनमें पावर होती थी। मगर जो ऑर्डिनरी आदमी नहीं कर सकता है। सो वो पैम रेनॉल्ड ने कहा, तो लोगों ने कहा तो झूठ है, मगर पैम रेनॉल्ड ने कहा बिल्कुल सच है, क्योंकि उससे पूछा तुम, उसने सारा ऑपरेशन एक्सप्लेन कर दिया, इसके बाद ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। एक और केस ऐसा था जिसमें लेडी ने कहा था उसका हार्ट ऑपरेशन हो रहा था, वो शरीर छोड़ के चली गई और उसने डॉक्टर पे केस कर दिया, केस करा कोर्ट में। तो उसने कहा आप केस क्यों कर रहे हो, उसने कहा क्योंकि जब मैं ऊपर से देख रही थी तो आप मेरे पे, मेरे ऑपरेशन कर रहे हो हार्ट का, इतना सेंसिटिव ऑपरेशन है, और आप अपनी नर्स से फ्लर्ट कर रहे थे। ये क्या है, आपको रिस्पेक्ट नहीं है मेरी, केस ही कर दिया उसने, अब वो कोर्ट में केस गया वैलिड। अब उसको कैसे पता कि क्या, वो तो सब बंद ही है, उसको क्या सुनाई देगा, यू कैन अंडरस्टैंड। सो ऐसे कई केसेस हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के हज़ारों केसेस हैं नेट पे, पूरी वेबसाइट बनी पड़ी है नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की। करोड़ों लोग अपने बॉडी छोड़ के देख के वापस आ चुके हैं। तो लोगों ने कहा यार सब झूठ है, तो एक बंदे ने टेस्ट करने की कोशिश की, तो ऑपरेशन किया। जनरली ये चीज़ हार्ट सर्जरी में, ब्रेन सर्जरी में होता है ना, क्योंकि फ्रीज़ कर देते ना उसको, तो उसको किया। और उसने क्या किया, उसने अपना जूता वहाँ रख दिया ऊपर छत पे, और इसने कहा कि देख तेरा ऑपरेशन करने वाले हैं, अगर तुझे होता आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस तो तू जूते का रंग बता दियो ऊपर जाकर, वरना तो ना कोई झूठ ही बोल सकता है। तो उसका हुआ, उसको लकीली आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो गया, वो ऊपर गया। जब वापस आया तो उसने कहा कि आपके जूते का रंग ये है और वहाँ पर और भी चीज़ें पड़ी हैं, वो उठा लीजिए। सो ये तो क्लियर कट फिनोमेना है कि हम बॉडी, हम शरीर नहीं, हम ब्रेन नहीं, हम हार्ट नहीं, हम कुछ भी नहीं है, हम सोल हैं, इस बॉडी से अलग हैं। सो ये सारे के सारे, वैसे तो अब साइंस भी कह रही है हम बॉडी से अलग हैं। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं स्वार्ट हैमरहॉफ, एनेस्थीजियोलॉजिस्ट, एनेस्थीजिया पता है ना, बेहोश कर देते हैं। तो लोगों को पता नहीं, जब बंदे बेहोश हो जाते हैं तो जाते कहाँ हैं, गायब जाते हैं, ना पेन हो रहा है ना कुछ हो रहा है। उससे ऑपरेशन का पूछो कुछ याद है, कुछ भी याद नहीं है उसको, तो कहाँ चला गया वो। तो इसने रिसर्च की और स्टॉट हैमहॉफ ने थ्योरी निकाली कि एक्चुअली, अब वो आत्मा वर्ड तो यूज़ करते नहीं, तो उन्होंने कहा कि हम लोग इन्फॉर्मेशन है उसके उसके अकॉर्डिंग। तो जब हम बेहोश हो जाते हैं, एनेस्थीसिया हो जाता है, या जब मर जाते हैं ऐसे नियर डेथ एक्सपीरियंस, तो इन्फॉर्मेशन बाहर चली जाती है
और जब फिर ठीक हो जाते हैं इन्फॉर्मेशन अंदर आ जाती है। तो साइंस अब ये मानने को तैयार है कि हम इन्फॉर्मेशन है बॉडी से अलग। वेल मगर एक सोचने वाली बात है, इन्फॉर्मेशन है तो इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ की में तो होगी, हवा में थोड़ी होती है इन्फॉर्मेशन। तो इस पे तो आ गया इन्फॉर्मेशन है, फिजिसिस्ट या एक्सेप्ट करने को तैयार है, मगर एक स्टेप और चले जाओ आप इन्फॉर्मेशन कर दो हम आत्मा कह देते हैं, दैट्स ऑल। सो क्लियर हो गया? तो अब क्वेश्चन ये है कि आप आत्मा और शरीर नहीं हो तो उससे फ़र्क क्या पड़ रहा है आपकी लाइफ में? फेसबुक तो वैसे ही चलाना, क्या करना है? लड़कीबाजी वैसे ही करनी है, लड़केबाजी वैसे ही करनी है, आपकी लाइफ ऐसी चलती रहेगी, फ़र्क क्या पड़ रहा है ये बताओ मुझे। अगर आपको नहीं पता लगा आप कौन हो तो फ़र्क क्या पड़ रहा है उससे? आपको ठीक है हो गया लेक्चर, हम जा रहे हैं, हम अपना मज़े करेंगे, इट्स ऑल डीबंक्ड। सो क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम क्यों बता रहे हैं आपको, ये सोच के बताओ क्या आंसर है। तो फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है इस इन्फॉर्मेशन से? एनीथिंग? वेल अगर इस इन्फॉर्मेशन आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी देखने का नज़रिया, क्योंकि अगर आप बॉडी हो तो आप बॉडी के लिए काम करोगे, है नहीं? और आप बॉडी नहीं हो सोल हो तो किसके लिए काम करोगे? सोल के लिए। जो आप नहीं हो उसके लिए थोड़ी ना काम किया जाता है। मगर पूरी सिविलाइजेशन हमारी इस बॉडी पे सारा समय लगा रही है, बॉडी पे। आपके राजपुरा में कितने सारे ब्यूटी पार्लर हैं, मतलब हर नुक्कड़ पे एक फैशन, क्या क्या ब्यूटी पार्लर कहते हैं, क्या कहते हैं जो भी है। सो मेंस ब्यूटी पार्लर भी है। सो क्या है, सारा बॉडी पे, सारा सिविलाइजेशन इसी पे बेस्ड है। ब्यूटी पार्लर, जिम, बॉडी बनाते रहो, एक्सरसाइज करते रहो, आत्मा के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा जो हम हैं। सो जैसे बॉडी को डोज चाहिए होती है, ऐसे आत्मा को भी डोज चाहिए होती है। इसलिए जो वाइज लोग होते हैं जिनको पता लग गया हम सोल हैं, वो टाइम वेस्ट नहीं करते बॉडी पे, मेंटेन करते हैं, टाइम लगाते हैं सोल पे। और बॉडी के लिए आप एक्सरसाइज करोगे, खाना पीना खिलाओगे, सुंदर बनाओगे, सोल के लिए क्या कर सकते हैं हम? मेडिटेशन, तभी मेडिटेशन करते थे। सोल को हम गॉड से कनेक्ट कर सकते हैं, ये उसका काम है। जैसे बॉडी को खाना वाना देके स्ट्रांग करते हैं, ऐसे सोल को गॉड से कनेक्ट करके स्ट्रेंथ मिलती है। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी सोल वीक रह जाएगी, बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी। और सोल तो आप हो ही, अगर आप अंदर से वीक रह गए तो स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन यही होगा बस। आपको खालीपन महसूस होगा अंदर से कि जीवन खाली है, क्या करें, कुछ मिसिंग है। ऐसा होता है कभी कभी, कुछ मिसिंग सा है, फिर मिसिंग लगता है तो फिर वो गर्लफ्रेंड बनाएगा, शायद वो मिसिंग ख़त्म हो जाए, या गर्लफ्रेंड नहीं तो फेसबुक पे बस सोशल इंटरेक्शन करता रहेगा, हो सकता है ख़त्म हो जाए। मगर नहीं होता, वो नहीं होता कुछ, क्योंकि आप जो देना है, डोज देनी है, वो तो दे नहीं रहा, कुछ और ही करते जा रहे हो, है नहीं? सो इससे पूरा लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी। और ये भी बात है, अगर आपको पता लग गया हर व्यक्ति सोल है, बॉडी नहीं है, तो आप हर एक को इक्वली ट्रीट करोगे। आजकल कह रहे हैं ना इक्वल ट्रीटमेंट, और ये इनइक्वालिटी क्यों, वो ऐसे ही ख़त्म होगा, वरना तो इनइक्वालिटी चलती रहेगी, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई ये कोई वो, कोई ब्लैक कोई वाइट, इसे कभी ख़त्म नहीं होने वाला। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, आपकी डिज़ायर्स कम हो जाएंगी, नहीं अपने आप, क्योंकि आप बॉडी ठीक है मेंटेन करने, ज़्यादा कुछ क्या करना, सोल में इंटरेस्टेड हो। इसलिए जितने भी वाइज लोग हैं वो मेडिटेशन, भगवान का नाम लेने में ज़्यादा समय लगाते हैं। जितने भी सेंट्स हैं, आप किसी भी हिंदुइज्म में देख लो, सिखिज्म में देख लो, गुरु नानक और ये जो ग्रेट सेंट्स हैं, और आपके जो 10 सिख गुरुज हैं, क्या कहना उन्होंने, गुरु साहिब ने भगवान की बात की है ना, उनसे जुड़ो, किसी को मतलब ही नहीं। गुरुद्वारे में चलती रहती चीज़ें, कोई सुनी नहीं ना कुछ, वो तो इसलिए भी क्योंकि पंजाबी समझ नहीं आती पुरानी, शायद नहीं आती ना पंजाबी पुरानी, गुरु ग्रंथ साहिब की गुरबानी समझ नहीं आती ना, वो कुछ अलग ही पुरानी लैंग्वेज आती है, आती है थोड़ी थोड़ी आती है, पूरी तरह नहीं आती, बट किसी को ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, किसी को समझने में मतलब नहीं, रिचुअल में मतलब है। जैसे टेंपल्स में भी जाते हैं आते हैं, जाते आते हैं, बट सारे रिलीजन्स कह रहे हैं आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, टाइम वेस्ट मत करो बॉडी पे। जो पढ़ाई करनी है, खाना खाना है, बॉडी को हेल्दी रखना, उतना ठीक है, बाकी एक पार्ट ऑफ लाइफ होनी चाहिए सोल के लिए, उसके लिए भी टाइम देना चाहिए।
तभी हम लेक्चर कर रहे हैं, तभी सेमिनार कर रहे हैं, क्योंकि आपने नहीं किया आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, आप फ्रस्ट्रेट हो गए लाइफ में। और पता है जो सिर्फ शरीर के लिए काम करता है, सोल के लिए नहीं करता, संतुष्ट तो होगा नहीं वो, क्योंकि वो अंदर से तो वीक होता जा रहा है नहीं। मतलब अंदर से अगर किसी को कैंसर है, बाहर से तो कुछ दिखाई नहीं देता, वीक होता रहता है ना अंदर से, तो वीक होते जा रहे हो, और वीक हो गए अंदर से तो क्या होगा, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए, आपके रिलेशनशिप्स भी खराब होंगे, वो नहीं बना सकते आप, क्योंकि जो सेटिस्फैक्शन नहीं है तो वहाँ पे हैप्पीनेस भी नहीं होती, समझे। और जो हैप्पीनेस नहीं है वहाँ प्रेम भी नहीं होता, वहाँ केवल सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स होते हैं, हाय हेलो मज़े टाटा बाय बाय, वहाँ ये होता है। सो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी इस इन्फॉर्मेशन से, और यही गीता में दिया है, यही सारे स्क्रिप्चर्स में दिया है। सो अभी टाइम है आपके पास समझने के लिए। मैंने साइंटिफिकली इसलिए बताया क्योंकि साइंस इस लोगों को समझ आता है नहीं, और सही भी है, हम साइंस मानते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है, ऐसा अंधविश्वास तो हम कर ले नहीं लेंगे। सो जाके देखना नेट पे, ये ज़रूर देखना, नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, ये ज़रूर देखना। इसकी कई डॉक्यूमेंट्रीज हैं, करोड़ों लोग बोल रहे हैं कि हम बॉडी छोड़ के गए, हमने देखा, हमें एक्सपीरियंसेस हुए, सब तो झूठ नहीं बोल सकते ना। और बाकी मैंने चीज़ें बता दी आपको, ब्रेन ट्रांसप्लांट, हैंड ट्रांसप्लांट, ये सारी चीज़ें। ओके, कोई क्वेश्चन है पूछना है तो पूछ सकते हो, बता दें। ये आपको साइंस से पढ़ाएंगे नहीं। बोलो बोलो, क्या बोलो सर? मेडिटेशन की जगह, क्या मेडिटेशन की जगह, हिंदी में बोलो, मेडिटेशन कैसे करें? कैसे कैसे कैसे? वेल, मेडिटेशन कैसे करनी है? मेडिटेशन भगवान पे ध्यान लगाना होता है, मगर प्रॉब्लम यह है कि भगवान हमें पता नहीं क्या है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए भगवान के नाम होते हैं। तो जो हम नाम नहीं बोलते, हरे कृष्णा या ओम कहते हैं, एक ओमकार कर्ता पुरुख, सुना है? क्या है एक ओमकार कर्ता पुरुख? निर्वैर निर्कैर अजोनी साहेब, सर मैंने याद नहीं किया, बट इट्स लाइक दैट। सो भगवान का नाम ओम है, कृष्णा है, राम है, गुरु ग्रंथ साहिब में कृष्णा राम के बहुत बार नाम आ रहे हैं, अगर आपने पढ़ा होगा। सो ये सारे नाम है भगवान के। सो नाम लेने से, नाम पे मेडिटेट होता है पहले, उसको कहते हैं साउंड मेडिटेशन, साउंड वाइब्रेशन पे, क्योंकि भगवान का नाम भगवान से नॉन डिफरेंट है। तो इसलिए पहले के योगी ओम ओम बोलते थे, या आप हरे कृष्णा बोलो, एक ही बात है। बट फर्क यह है कि ओम जो है वो ऑफिशियल नेम है। वैसे आपके आपका आप, आपका नाम क्या है? मनप्रीत। आपके घर का नाम कुछ और होगा शायद, कुछ और ऐसी, घर में चिंकी पिंकी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, नहीं बोलते नहीं है, कुछ घर का नाम अलग होगा। सो ऐसे अगर आपको क्या क्या नाम है, मनप्रीत मान लीजिए, मैं बोलूँ मनप्रीत, या टीचर बोलेगी तो ठीक है, मगर आपको घर के नाम से बुलाएं तो इमीडिएटली आपका अटेंशन चली जाएगी, उससे फ्रेंडशिप हो जाएगी, यार तुम्हें घर में तो घर का ही बंदा है। तो घर के नाम में प्रेम होता है, ऑफिशियल नाम में लव नहीं होता, समझे। इसलिए घर में नाम रखे जाते हैं घर के। सो इसलिए ओम भी एक नाम है, कृष्णा भी एक नाम है, राम भी नाम है, मगर कृष्णा और राम घर के नाम है, ओम ऑफिशियल नेम है। तो जो ओम चैंटिंग करते हैं वो ऑफिशियल मेडिटेशन होती है, उससे भगवान से रिलेशनशिप इतना डीप नहीं बनता, कांटेक्ट इतना नहीं होता। जैसे मैं मनप्रीत बोलूँ, घर का बोलूँगा तो कांटेक्ट बहुत हो जाएगा, इसलिए हम लोग ये बोलते हैं हरे कृष्णा, बताएं आपको ये मंत्र क्या है, बताओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। ये ऐसे मंत्र बनाया गया, इसके पीछे भी साइंस है, वो मैं अलग बताऊंगा, मगर आपको कुछ नहीं करना। टू बिगिन विथ, आप चल रहे हो कहीं भी, बैठे हो, खाली हो, ये नाम लेते रहो बस, कोई कूड़ा सोचने से अच्छा नाम लो। तो धीरे धीरे नाम ही आपको सिखा देगा क्या करना है, पावर है उसमें। ऐसे ही थोड़े ना पागल लोग थे जो कि बैठ के लेते रहते थे ऋषि मुनि हजारों साल तक, पागल थे वो? मैं पागल हूँ? फिर कुछ तो है, तो अगर कुछ है जो आपको नहीं पता क्या है,
सो नेम से भगवान सुप्रीम पावर से कॉन्टैक्ट होता है। और वैसे भी अगर आपका मन भी नहीं लग रहा तब भी आप लोगे तब भी फायदा है, तब भी फायदा है। सपोज जैसे मान लीजिए मनप्रीत है, सपोज मनप्रीत मैं नाम लूँ, मतलब मैं बाहर सपोज सर से बात कर रहा हूँ और मैं उनसे बोलूँ अभी मनप्रीत के मार्क्स कितने हैं, अगर आपको आवाज़ आ जाएगी आपकी टेंशन वहाँ चली जाएगी, नहीं चाहे आपको बुला भी नहीं रहा क्योंकि मेरे बारे बात हो रही है। सो ऐसी अगर आप भगवान का नाम लोगे कृष्णा राम, चाहे आपका मन लग रहा है नहीं लग रहा है, भगवान की अटेंशन आप पे आ जाएगी कि मेरा नाम कौन ले रहा है। और भगवान की अटेंशन आप पे आ गई तो आपकी लाइफ में कभी भी बुरा नहीं हो सकता क्योंकि वो आपके साथ है। भगवान की अटेंशन आप पे नहीं है, पूरी दुनिया की टेंशन है, उसका कोई भी फायदा ठेंगा फायदा है। इसलिए हम नाम लेते रहते हैं, यहाँ से शुरू होती है मेडिटेशन। आप लेते हो, आप खाली बैठे हो, कभी टाइम है आप मन में दोहरा सकते हो, नहाते हो दोहरा सकते हो, खाते हो, ये प्रैक्टिस है बस, और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग बाद में जब डेली में प्रैक्टिस करते हैं तो माला पे करते हैं, माला होती है ना उस पे हम प्रैक्टिस करते हैं, उससे डिसिप्लिन बनता है, वी सेट एंड फोकस करके चैंटिंग करते हैं, दो चीज़ें होती हैं। क्या पूछना, बोलो 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 क्या हुआ। What is love? Love is first of all not scientifically experimented. आप उसको ना measure कर सकते हो, science के beyond है। But दो तरह के love होते हैं। एक love होता है इस संसार के लिए, इस संसार के लोगों के लिए। एक love होता है God के साथ। Love ही है, मगर उसमें अंतर है दोनों में। क्या अंतर है कौन बताएगा? सोच के बताओ क्या क्या अंतर है। वेल, इस संसार का जो लव है वो अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन में एंड होगा, क्योंकि किसी चीज़ से लव करोगे या तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी या खो जाएगी, तो दुख मिलता है। भगवान से लव करोगे वो रिलेशनशिप कभी भी ख़त्म, इसलिए वहाँ पे दुख नहीं है। इस संसार के लव का एंड हमेशा दुख में होगा, मतलब शादी भी कर लो उसके बाद हस्बैंड वाइफ कोई तो डेथ हो जाएगी, अब मम्मी पापा जाएंगे जिससे प्रेम करते हैं मरेंगे तो सही, दुख होगा है नहीं। तो इस संसार का लव अल्टीमेटली दुख लाएगा कहीं कहीं ना कहीं, या चीटिंग हो जाएगी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उसने चीट कर दिया, किसी और का चला गया चली गई, वो यही चल रहा है आजकल। मगर वो लव जो है उससे कभी भी फ्रस्ट्रेशन और चीटिंग नहीं होगी, भगवान कभी चीट नहीं करेंगे, वो रिलेशनशिप हमेशा बना रहेगा, इसलिए हमेशा सेटिस्फैक्शन रहेगी। इस संसार के लव में फियर है, डर है, चीज़ खो गई फिर क्या होगा, उसमें फियर नहीं है, इसलिए अभय है, समझ गए, निर्वैर, दैट्स अ टर्म, उसमें कोई फियर नहीं है, कोई एनिमिटी नहीं है किसी से, सो वो लव है। तो और इस संसार के लव में पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, सेल्फिशनेस है। हम कोई भी किसी पे लव करेंगे हमें इंजॉयमेंट चाहिए उससे, नहीं वाइफ भी कहती है हस्बैंड से तुमने मेरे लिए क्या किया, नहीं वो चाहे पूछा पूरा लुट जाए उस पर तुमने क्या कर दिया मेरे लिए, वो सुनना पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा, स्वार्थ है। मगर भगवान से जो प्रेम किया जाता है उसमें स्वार्थ, उसमें हम लेते नहीं उसमें देते हैं, उसमें सेक्रीफाइस है। तभी तो इतने बड़े बड़े सेंट्स ने अपनी जीवन भी दे दिया, मतलब दे रियली डाइड, मतलब आपके जो गुरु थे एक बहादुर जी थे वो चले गए थे सेक्रीफाइस करने, उन्होंने कहा ठीक है मैं चला जाता हूँ, मेरी बलि चढ़ा दे, है ना। तो आई थिंक उन्हीं के बेटे थे ना गुरु गोविंद, उन्होंने तो बोला था उनको कि राजा ने कहा कि अपने सबसे बड़े संत को भेजना, गुरु गोविंद साहब ने कहा कि आपसे बड़ा संत कौन है, कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ, कोई डर नहीं। उन्होंने कहा भगवान के लिए मर रहा हूँ, भगवान के लिए मरना भी सौभाग्य होता है, हम तो ऐसे ही मर जाएंगे एक्सीडेंट में और डायबिटीज से हॉस्पिटल में सड़ सड़ के, ना हमारा जीवन अच्छा है ना मृत्यु अच्छी है। मगर जो भगवान से प्रेम करता है वो जीते हुए भी खुश है और मृत्यु भी भगवान के लिए होगी, ग्लोरियस डेथ। और आज तक उनको याद करते हम, और उनके टाइम जो भी थे सब ख़त्म हो गए, कोई याद नहीं करते, इसलिए भगवान से जो प्रेम अमर होता है। यहाँ का प्रेम तो पिक्चरों में ख़त्म हो जाएगा या दूसरे दिन ही ख़त्म हो जाए, दैट्स कॉल्ड लव। इसलिए वी लव गॉड, हम इस संसार की चीज़ों को लव नहीं करते, ना लव करने लायक है।
That's the idea. Okay. It's good questions. Theek hai. So if that's it.